अहिवारा विधानसभा क्षेत्र से महापौर निर्मल कोचरे को कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी बनाए जाने पर कांग्रेस के कार्यकर्ता व उनके समर्थकों ने उनके निवास स्थान पहुंचकर बधाइयां दी। दुर्ग जिले के अहिवारा विधानसभा क्षेत्र से नगर निगम भिलाई चरोदा के महापौर निर्मल कोचरे को कांग्रेस पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी बनाए जाने पर मुख्यमंत्री निवास पहुंचकर उन्होंने मुख्यमंत्री की धर्मपत्नी मुक्तेश्वरी बघेल का आशीर्वाद ग्रहण किया। तत्पश्चात निर्मल कोचरे ने अपने साथियों के साथ चरोदा स्थित दक्षिण हनुमान मंदिर पहुंचकर हनुमान जी के दर्शन कर जीत का आशीर्वाद हनुमान जी से मांगा। पंडित संतोष शर्मा ने पूजा अर्चना करवा कर जीत का आशीर्वाद उन्हें दिया। निर्मल कोचरे अपनी राजनीतिक जीवन कांग्रेस संगठन के कई पद पर रहे पार्षद से महापौर और विधानसभा जाने की तैयारी में हैं। भिलाई चरोदा नगर निगम के महापौर निर्मल कोचरे ने कहा कि अब की बार कांग्रेस 75 के पार लाएगी। सबसे पहले आपके माध्यम से मैं हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी, आदरणीय सोनिया गांधी जी, आदरणीय राहुल गांधी जी, आदरणीय प्रियंका गांधी जी, हमारे प्रभारी कुमारी शैलजा जी और मेरे राजनीतिक गुरु माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, दीपक बैज जी, तमाम कांग्रेस के लीडरों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने एक किसान के बेटे और नौजवान के ऊपर उन्होंने भरोसा जताया है। अहिवारा विधानसभा क्षेत्र के लिए मुझे प्रत्याशी बनाया, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद करता हूँ और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जिन उम्मीदों के साथ मुझे इस मैदान में उतारा है, अहिवारा विधानसभा सीट कांग्रेस की झोली में आएगी और पिछले बार से भी ज़्यादा वोट से हम लोग जीत के इस सीट को देंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पास न तो चेहरा है न तो मुद्दा है। युवाओं की बात करने वाला भारतीय जनता पार्टी के पास एक ऐसा युवा चेहरा नहीं रहा जिसे जिसके ऊपर भरोसा किया जा सके। वही लोग फिर से आज मैदान में हैं जिनको क्षेत्र की जनता ने नकारा है और वास्तविक रूप से कुरसेवाड़ा जी के कार्यकाल अहिवारा विधानसभा क्षेत्र की जनता ने देखा है। भिलाई चरोदा का ट्रांसपोर्ट नगर पूरे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट नगर है। उनके कार्यकाल में विधायक रहते हुए डॉक्टर रमन सिंह जी ने 3 बार नारियल तोड़ा, 1 कोटी कौड़ी राशि वहां पर नहीं दिया। जामुल की यदि बात करें तो नन्नी से लेके जामुल तक की जो रोड काफ़ी विडम्बनाएं थी और आप लोग के माध्यम से लगातार पढ़ने को मौका मिलता था। सोलाराम जी भी वहाँ नेतृत्व किए, कुरसेवाड़ा जी भी वहाँ नेतृत्व किए। हमारे वहाँ के राहगीर वहाँ थरहा रोपा लगा देते थे, उसके बाद भी उनके कान में जू नहीं रेंगती थी। आज हमारी छत्तीसगढ़ सरकार बनने के बाद भी उस रोड को अच्छे से बनाए। साथ ही साथ जामुल के जो हमारे नौजवान साथी थे, या तो वो दुर्ग पढ़ाई करने के लिए जाते थे या तो फिर वो पढ़ाई करने के लिए नंदनी जाते थे, जामुल में भी एक कॉलेज हमारी सरकार ने दिया। इसके साथ साथ लोगों को आवाजाही में ज़्यादा दिक्कत न हो, इसके चलते माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमारी सरकार ने अहिवारा को भी एक तहसील बनाया और भिलाई चरोदा को भी तहसील बनाया। तो आवागमन के संसाधनों को भी कनेक्ट करने का प्रयास, साथ ही साथ जो आम जनता है उनको सुविधा देने का प्रयास हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार ने किया है। हमको पूरा भरोसा है कि भूपेश बघेल जी जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो उपचुनाव मिलाकर 71 सीट छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की झोली में आई थी। आज तो भूपेश बघेल जी के भरोसे की सरकार रही है, 4.5 साल काम किया है तो उनके भरोसे के ऊपर 75 सीट अवश्य रूप से हमारे छत्तीसगढ़ में आएगी। बहरहाल निर्मल कोचरे को टिकट मिलने के बाद उनके कार्यकर्ताओं और समर्थकों में भारी उत्साह देखने को मिला। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर एक दूसरे को मिठाइयाँ खिलाई और बधाइयाँ दी। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।